हेलो दोस्तों, अभी अभी राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल से, हिंदी में बताने वाला हूं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर से अभी नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों। जो आप कटिंग देख रहे हो वो अभी आपको अखबार की कटिंग है, और लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि जो इसके नोटिफिकेशन जो रियल है वो क्या है। तो दोनों में इसमें पहले डिटेल से बात कर लेते हैं। कोर्ट में भर्ती, हाई कोर्ट व अधीनस्थ अदालतों में कनिष्ठ निजी सहायक व कनिष्ठ लिपिक भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से फिर से शुरू होगी। कब से दोस्तों? 1 अक्टूबर से फिर से शुरू होगी, ठीक है। अब इसकी और डिटेल से बात कर लेते हैं। कनिष्ठ लिपिक व कनिष्ठ निजी सहायकों के 2000 से अधिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है दोस्तों। फिर से शुरू की गई, जो पहले निकल रही थी उसको फिर से शुरू कर दी गई है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे दोस्तों। कब से कब, कब से लेकर के कब तक? 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, ठीक है, याद रखना दोस्तों। नौकरी की तलाश में जुटे बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान हाई कोर्ट अधीनस्थ अदालतों व विविध सेवा प्राधिकरणों में कनिष्ठ लिपिक व कनिष्ठ निजी सहायकों के 2000 से अधिक पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। कब से लेकर कब तक? 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। पूर्व में यह आवेदन प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू होनी थी, जो 27 अप्रैल तक जारी रहती, लेकिन गत 25 मार्च को कोरोना वायरस को लेकर लगाए गए लॉकडाउन की वजह से स्थगित कर दी गई दोस्तों। ये 30 मार्च को जो आवेदन की पूर्व में यह आवेदन प्रक्रिया 30 मार्च से स्टार्ट होनी थी और 27 अप्रैल तक रहनी थी, बट जब अपना कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लग गया था, इस वजह से इसको अब निकाली गई है। और बात कर लेते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में निजी सहायकों के 268 पद पर राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण में कनिष्ठ निजी सहायकों के कुल 18 पद। सेकंड पेज इसका ये था दोस्तों, कुल 18 पद हैं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में। लिपिक ग्रेड द्वितीय के 8 पद हैं। नॉन टीएसपी क्षेत्र के 32 जिला न्यायालयों में कनिष्ठ लिपिक ग्रेड द्वितीय के 1056 पद है, तथा टीएसपी क्षेत्र के 4 जिला न्यायालयों में कनिष्ठ लिपिक ग्रेड द्वितीय के 61 पदों पर भर्ती होगी। इसी तरह नॉन टीएसपी क्षेत्र के जिला विविध सेवा प्राधिकरणों में कनिष्ठ निजी सहायकों के 333 पद, तथा टीएसपी क्षेत्र के 4 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में कनिष्ठ निजी सहायकों के 16 पद निर्धारित किए गए हैं। और इसके बाद में दे रखा है दोस्तों, रजिस्ट्रार परीक्षा के अनुसार 1 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से 1 नवंबर को शाम 5 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। कब से लेकर कब तक दोस्तों? 1 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से 1 नवंबर को शाम 5 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं, जबकि 1 अक्टूबर से दोपहर 1 बजे से 2 नवंबर तक। कब से कब तक दोस्तों? 1 अक्टूबर से दोपहर 1 बजे से 2 नवंबर तक रात्रि 11:59 मतलब 12 बजे तक ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क कब तक जमा करा सकते हैं दोस्तों? 2 नवंबर रात्रि 11:59 मतलब 12 बजे तक, ठीक है दोस्तों। उल्लेखनीय है कि चयन के लिए सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा व कंप्यूटर परीक्षा में अर्जित कुल प्राप्तांकों के आधार पर संस्थानुसार तैयार की जाएगी दोस्तों। किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनेगी? मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा व कंप्यूटर परीक्षा में अर्जित कुल प्राप्तांकों के आधार पर संस्थानुसार तैयार की जाएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर वह कंप्यूटर परीक्षा में अर्जित, इनके आधार पर आपकी जो मेरिट बनेगी,
प्राप्त अंकों के आधार पर वो तैयार की जाएगी। इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक व कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या दोस्तों, स्नातक स्नातक व कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी इसको फॉर्म को भर सकते हो। आवेदन के लिए न्यूनतम 18 साल तथा अधिकतम 40 साल है। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी, 1 जनवरी 2021 से, ठीक है। अगर 1 जनवरी 2021 तक आप 18 साल के हो गए हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, या 1 जनवरी 2021 तक अभी आप 40 साल के नहीं हुए तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। ये रिपोर्टर का नाम दे रखा है। अब इसकी जो मेन था वो भी उसकी उसको भी आपको दिखा देता हूँ। मेन साइट थी वो, एक मिनट दोस्तों, मेन था जो ये आया था, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, जो आप देख रहे हो, 18/9/2020 को, ठीक है। और इसमें भी यही दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन के लिए समय सीमा 1/10/2020 गुरुवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 1/11/2020 रविवार को शाम 5 बजे तक। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा 1/10/2020 गुरुवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 2/11/2020 सोमवार को रात्रि 12 बजे तक रहेगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट द्वारा ज़रूर बताना, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और दोस्तों अपना टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें आपको डेली तो करंट जीके की क्लास होती है, करंट जीके मिलेगी आपको, और रीजनिंग और मैथ की स्मार्ट और शॉर्ट ट्रिक मिलेगी, ठीक है दोस्तों, स्मार्ट और शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। तो अपना टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों कमेंट द्वारा बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, जो भी कमी है वो बताना, अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी बताना, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।